तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले फोन पे अकाउंट के बारे में कि आप लोग बिना एटीएम कार्ड का फोन पे अकाउंट कैसे बना पाओगे, ये मैं आपको आज की इस वीडियो अंदर बताने वाला हूँ। जैसे कि आप में से काफी सारे लोग ऐसे हो जिसके पास एटीएम कार्ड नहीं है और आप लोग फोन पे अकाउंट बनाना चाहते हो लेकिन आप लोग के पास एटीएम नहीं है तो कैसे बना पाओगे, ये मैं आपको आज की इस वीडियो अंदर बताने वाला हूँ। और देखो जो स्टेप बताऊंगा उसको आप लोग ध्यान से फॉलो करना, उसके बाद गाइस आप लोग फोन पे अकाउंट बना पाओगे बिना एटीएम कार्ड का। ठीक है, तो कैसे बनाना है, क्या कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ वीडियो अंदर बताऊंगा, तो वीडियो कहीं से भी स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा देख लेना। लेकिन उससे पहले इतने बंदे चैनल पे न्यू है, फिर पहली बार हो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन वाले प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप लोग स्क्रीन पे देखो यहां पे मेरे पास फोन पे अकाउंट है, इसको मैं अनइंस्टॉल कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पे अनइंस्टॉल करने के बाद आप लोग को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझा देता हूं। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ स्टेप्स आ जाएगा, आपको यहाँ पे सर्च करना है फोन पे। ठीक है, जैसे आप लोग सर्च करोगे फोन पे तो यहाँ पे फोन पे आ जाएगा। सिंपल आप लोगों को कुछ नहीं करना है, फोन पे को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, फोन पे यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद आपके फोन के अंदर फोन पे यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और इंस्टॉल होने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आप लोग को सीधे फोन पे को ओपन करना है। ठीक है, जैसे ओपन करोगे आप लोग फोन पे, यहाँ पे फोन पे ओपन होगा और ओपन होने के बाद ऑटोमेटिक आपके फोन के अंदर जो भी नंबर होगा वो आपको सजेस्ट कर देगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप लोग को यहाँ पे इसको बैक कर लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्लस वन जो होता है वो लगा के देता है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको खुद से यहाँ पे नंबर डाल लेना है। ठीक है, और देखो जैसे आप लोग मोबाइल नंबर डाल के एक लॉगिन करोगे आपके फोन के अंदर ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक ले लेगा, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा। आपको सिंपल सबको जो भी परमिशन हो रहा है उस सारा परमिशन आप लोग को यहाँ पे दे देना है। सारा परमिशन देने के बाद आपके फोन के अंदर जो फोन पे अकाउंट होगा यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सोच रहे फोन पे अकाउंट बन जाएगा, नहीं गाइस अभी लॉगिन हो चुका है। और लॉगिन होने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आप लोग को ऊपर में देखो एक प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, एक फोटो लगा हुआ है मेरा। ठीक है, अगर आपका लोगो लगा हुआ नहीं होगा तो आपको कुछ आइकन बन के आएगा, बस उस पर क्लिक करना है। वहां पर गाइस जैसे आप लोग क्लिक करोगे, ठीक है, यहां पे जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप से ऑप्शन आ जाएगा जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और यहां पे आपका जो भी नंबर होगा, नंबर आएगा, नाम आ जाएगा। ठीक है, और देखो एक बात का आप लोग ध्यान रखना, जिस नंबर से आप लोग फोन पे अकाउंट बना रहे हो ना उसमें उस नंबर से गाइस आपके मतलब कोई भी बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देखो यहां पे जो नंबर मैंने यहां पे डाला है, यहां पे बोला है सेलेक्ट अ बैंक लिंक विथ नंबर, यानी कि आपका जो भी नंबर है, ठीक है, उसमें कोई ना कोई बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो आप लोग पता कर लेना कि आपका नंबर से कौन बैंक अकाउंट लिंक है। ठीक है, उसके बाद उसी नंबर से गाइस आप लोग फोन पे अकाउंट बनाना। तो ये जो नंबर यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस नंबर पे मेरा क्या बोलते हो ये बैंक लिंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आप लोग सर्च करूँगा एयरटेल पेमेंट बैंक और यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक को लिंक कर लूँगा। ठीक है, अगर आपके पास मान के चलो कोई और सिम होगा या फिर कोई और बैंक होगा तो उसको भी आप लोग यहाँ से लिंक कर पाओगे। जैसे मैं लिंक कर रहा हूँ आपको भी इसी टाइप से सेम स्टेप लिंक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास पंजाब नेशनल बैंक का ही है, तो पंजाब नेशनल मैंने पहले से लिंक करके रखा है, तो मैं आपको यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक लिंक करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सर्च करना है एयरटेल पेमेंट बैंक। जैसे आप लोग यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक लिख के सर्च करोगे आप लोग को यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक आ जाएगा। सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे रीट्रैक ऑप्शन मिला, इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक लिंक लेना स्टार्ट हो चुका है। अगर मेरा यही नंबर एयरटेल पेमेंट बैंक होगा तो ऑटोमेटिक लिंक लेगा जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। सिंपल आपको प्रोसेस टू लॉग इन पर क्लिक कर देना है, इस पर जैसे लॉग इन पर क्लिक करो ठीक है आपके फोन के अंदर ऑटोमेटिक यहाँ पे लिंक हो जाएगा और आप लोग के अकाउंट के अंदर जो फोन पे अकाउंट है मतलब फोन पे अकाउंट है वो बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग किसी को भी पैसा भेज सकते हो, किसी से भी पैसा ले सकते हो। ठीक है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है, तो किससे मैंने किया, एयरटेल पेमेंट बैंक से किया। अब एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, अगर आपके पास एयरटेल पेमेंट बैंक नहीं होगा तो आप लोग को बनाना कैसे ये मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना, अपने नज़दीकी किसी भी दुकान में जाना, ठीक है, जहाँ पे रिचार्ज होता है, जहाँ पे आपको सिम मिलता है, उसको बोलना कि भैया मेरे को एयरटेल पेमेंट बैंक बना के दो। आपको वो एयरटेल पेमेंट बैंक बना के दे देगा और आप लोग उसको यूज करके फोन पे अकाउंट बना पाओगे। ठीक है, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने आप लोगों को लाइव प्रूफ बना के भी दिखाया जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ठीक है, और आप लोग भी इसी टाइप से अपने फोन के अंदर फोन पे अकाउंट बना सकते हो एयरटेल पेमेंट बैंक के थ्रू। ठीक है, और एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर गाइस आप लोग किसी से भी पैसा ले सकते हो, किसी को भी दे सकते हो। ठीक है, आप लोग को एटीएम कार्ड का कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास अकाउंट वगैरह होगा तो आप लोग एटीएम अप्लाई कर लेना, कुछ देर के बाद आपके घर के अंदर एटीएम आ जाएगा। उसके बाद आप लोग एटीएम पिन से भी अपना क्या बोलते हो फोन पे अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने तो जे आपको अच्छे से सब कुछ समझा के अच्छे से बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस मिलते हैं और वीडियो अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।